हुआ करती है। कमेटी से निवेदन करूंगी साहब, घर काम क्यों या को मतलब यूं मत समझो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लाजी शांति बनाइए। बाबा साहब जैसा कि कलाकार बंधु आपके सामने गा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम है जिगड़ी का, बात अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन में बाबा साहब जिगड़ी आती है, और जिगड़ी की शुरुआत आप जैसे विद्वान लोगों ने की है साखी से। और सुनिएगा भैया जी, साखी एक लक्ष्मी आपके सामने खड़ी और एक झांसी वाली रानी लक्ष्मी बाई, आज साखी के अंदर करने क्या लगी भैया जी, क्या जवाब दे रही है? Come on!
छन्ना
राजा ने कहा कि आप मुझे अंगूठी दिखाना चाहती थी, आपके पास कोई अंगूठी नहीं। आज अर्थ में राजा ने जवाब दिया, कहने लगे भूपाल सुंदरी, कहने लगे भूपाल सुंदरी, अंत झूठ को आया है, अरे पुरवंशी की नैन परीक्षा अपनो जाल उठाया है। कहे शकुंतला भ्रम पे राजा, कहे शकुंतला सुन ले राजा, और आज ये भ्रम पा दल ने घेरा, और याकूब तुम ही करो निर। जब इतनी बातें सुनी राजा ने कहा, देवी आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हैं। माँ का नाम सुना सजनों, शकुंतला की माँ का नाम था अप्सरा मेनका। विश्वामित्र के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ था। लेकिन सजनों आज जवाब दे रहा है और राजा दुष्यंत कह रहा है कि सुन देवी, मेरे पास में जो तुम आई हो वो किस लिए आई हो भैया, कैसे जवाब देने लगा। और ले कहे भूप मेरी कुल की रत को, और ले करन आई कारी,
बाबा साहब इतने शब्दों को सुना, सुनकर के भाव विह्वल हो गई। लेकिन बाबा साहब आज शकुंतला ने कहा कि सुनिए राजन, एक निशानी मेरे पास नहीं रही, लेकिन एक निशानी मेरे पास अभी भी है। और वो निशानी क्या? आज शकुंतला ने जवाब दिया, कहा क्या, मैं कर्म धर्म से सच्ची हूँ, मैं कर्म धर्म से सच्ची हूँ, ये मेरे आत्म बल की वाणी है। अरे जो शिशु पेट में पलता है राजा, वह मुख्य निशानी है। मानव तो कर्म छुपा जाता राजन, मानव तो कर्म छुपा जाता, पर ईश्वर से रहे ना छानी है, क्योंकि ये सूरज चांद सितारे साक्षी गंगा जी का पानी है। आज तक मैंने झूठ नहीं बोला महाराज, मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो शिशु बाबा साहब निश्चित रूप से आपका ही अंश है। जब इतनी बातें सुन ली भैया जी, आज शकुंतला 5 मिनट समय का भाव, और बाबा साहब गाना, और भैया जी गाना भी क्या, कलाकार बंधु पता नहीं ना जाने कहां से लेकर कहां जोड़ रहे हैं। लेकिन भैया जी आपके सामने ये बिल्कुल नहीं होगा कि कहीं का ईट कहीं का रोरा, और भानुपति ने कुनबा जोड़ा। सुनिएगा गीत, और बाबा साहब गीत में एक खास बात, आपने बाबा साहब यजमान बदलते देखे होंगे, लेकिन पुजारी गीत के अंदर बाबा साहब त्रेता युग के अंदर आपके सामने 3 पूजन कराऊंगी, और तीनों पूजन में पुजारी रावण रहेगा, यजमान बदल जाएंगे। अब सुनिएगा रावण ने पूजन त्रेता युग के अंदर कहां कहां कराया भैया जी। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी प्यारी सी एक बाबा साहब तर्ज निकाली थी, आज तक बच्चों की जवान पर तो है ही, लेकिन वो बुजुर्गों की जवान पर भी है, और सुनिएगा वो तर्ज के बोल क्या कह रहे हैं भैया जी। कैसे है? और ले कजरा मोहब्बत वाला कहा क्या है, कजरा मोहब्बत वाला नहनों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला वो नहनों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, क्यों वो कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन अब गाना कह रहा था आपके सामने, कहा कि 3 जगह पर पूजन रावण कराएगा, लेकिन यजमान बदल जाएंगे। अब सुनिएगा सबसे पहली बार रावण ने पूजन कहां कराया भैया जी, कहां क्या, देवों के महादेव जो सबका कल्याण करते, क्या देवों के महादेव जो सबका कल्याण करते, सोने के महल में पूजन शिव विधि विधान करते, क्यों और करवा कर गृह प्रवेश वो रावण का मान करते, करवा कर गृह प्रवेश वो रावण का मान करते, क्यों आई दक्षिणा की बारी हर्षित होकर त्रिपुरारी, आई दक्षिणा की बारी हर्षित होकर त्रिपुरारी, रावण को करते महल दान, क्या हो रावण को, हाँ रावण को करते महल दान, स्वयं शिव बने हैं यजमान। यहाँ पर बाबा साहब जब भगवान शिव ने सोने की लंका माँ पार्वती के कहने से बनवाई, तो उसका पूजन कराने के लिए रावण को बुलाया गया, रावण ने पूजन करा दिया। जब पूजन करा दिया तो भोलेनाथ जी के मन में विचार आया कि दक्षिणा क्या दूं। जब दक्षिणा की बात आई, भोले भंडारी हैं, उन्होंने बाबा साहब रावण के लिए सोने की लंका दान में दे दी। निवेदन करूंगी नेक
सौगात बांट दी। भैया जी आज रावण को सोने की लंका दान दे दी, इसीलिए कहा चारों वेदों का ज्ञानी शिव जी के साथ भवानी, चारों वेदों का ज्ञानी शिव जी के साथ भवानी, और पूजन कराता बन विद्वान स्वयं सिद्ध बने जी।
की ही पूजा, रावण सा भगत ना दूजा, क्यों और समस्या का